अब जो है इस चैप्टर का जो थर्मोडायनेमिक्स पार्ट है हम लोग उस पार्ट में इंटर कर रहे हैं और अब हम लोग पढ़ेंगे कि कोई गैस जो है वो जब एक्सपेंड होता है तो कितना वर्क करता है या कंप्रेस होता है तो कितना वर्क करता है। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्क डन बाई गैस। इसके लिए हमने एक कंटेनर दिखाया है, सिलेंड्रिकल कंटेनर है, इसमें गैस जो है वो कॉन्स्टेंट प्रेशर पर जो है वो रखा गया है। ध्यान रखना है कि जब ये पिस्टन, यहाँ पर एक पिस्टन है, ये पिस्टन जब मूव करता है तो भी प्रेशर को किसी तरीके से कांस्टेंट मेंटेन किया गया है। प्रेशर ऑफ गैस इज मेंटेन्ड कांस्टेंट बाय सम मैकेनिज्म, है ना, किसी तरीके से जो प्रेशर है उसको कांस्टेंट मेंटेन किया गया है। ये जो है ये मूवेबल पिस्टन है जो कि सिलेंडर के अंदर मूव कर सकता है। तो यहां पर जब ये पिस्टन था तो गैस का प्रेशर था पी, और चूंकि इसका प्रेशर पी है और इस पिस्टन का एरिया मान लेते हैं ए है, तो इधर से एक फोर्स लगेगा P इंटू ए, इतना फोर्स लगाएगा गैस, और ये जो पिस्टन है ये धीरे धीरे यहां से मूव करता हुआ यहां पर खिसक गया। मान लेते हैं कि डेल्टा एक्स से ये खिसक गया पिस्टन, तो गैस ने क्या करा, इस पिस्टन को डिस्प्लेस कर दिया, किसी बाउंड्री को इसने डिस्प्लेस कर दिया। तो जैसा कि हम लोग मैकेनिक्स में पढ़ते हैं कि जब पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स डिस्प्लेस हो जाता है तो वर्क होता है, इसमें भी वैसे ही हो रहा है कि जो गैस, गैस का जो प्रेशर है वो कहीं फोर्स लगा रहा है पिस्टन पर और वो जो पॉइंट है वो डेल्टा एक्स से डिस्प्लेस हो गया, तो गैस ने कोई वर्क किया होगा, है ना। तो वर्क डन बाई गैस की जो वैल्यू है, वर्क डन बाई गैस, इसको हमें निकालना होगा, तो क्या लिखेंगे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये हम लोग जानते हैं मैकेनिक्स से। तो फोर्स इस पर लग रहा होगा पी इंटू ए और डिस्प्लेसमेंट जो हुआ है वो हुआ है डेल्टा एक्स, ठीक। तो पी इंटू ए इंटू डेल्टा एक्स क्या होगा, आप देखेंगे कि एरिया जो है ये सिलेंडर का एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, और डेल्टा एक्स का डिस्प्लेसमेंट है, तो ये जो वॉल्यूम हुआ, जितना वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है उस वॉल्यूम को बताएगा ए इंटू डेल्टा एक्स, तो इसको मैं डेल्टा वी लिख सकता हूं, है ना। तो वर्क डन बाई गैस इज इक्वल टू पी डेल्टा वी लिख सकते हैं, मतलब ये हुआ कि पी वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, ऐसे लिखा जा सकता है, और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं एन आर टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, क्योंकि जब हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन को यूज करेंगे तो पी इंटू वी फाइनल इज इक्वल टू एन आर इंटू टी फाइनल, एक तो ये हो गया, है ना, मतलब ये आइडियल गैस इक्वेशन है, प्रेशर चूंकि कांस्टेंट है तो इनिशियली भी लिखेंगे पी इंटू वी इनिशियल इज इक्वल टू एन आर इंटू टी इनिशियल, ये जो है ये जो इक्वेशन मैंने लिखा है ये लिखा है बाई आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन से ये आया है। तो ध्यान रखना है कि जो वर्क डन बाय गैस है वो इस तरह से लिखा जा सकता है। अब आप यहां पर देखेंगे कि जब वॉल्यूम जो है फाइनल वॉल्यूम जो है वो ज्यादा होगा इनिशियल से तो ये पॉजिटिव आएगा वर्क डन, और फाइनल वॉल्यूम जो है वो कम होगा इनिशियल से तो निगेटिव आएगा। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको नोट के फॉर्म में हम लोग लिखेंगे, है ना। पहला तो यह है साइन कन्वेंशन के बारे में कि जब भी गैस एक्सपेंड होगा यानी फाइनल वॉल्यूम ज्यादा होगा तो वर्क डन बाय गैस जो है वो पॉजिटिव आएगा। वर्क डन बाय गैस इज पॉजिटिव व्हेन गैस एक्सपेंड्स, ठीक। अच्छा, जो दूसरा पॉइंट है वो ये है
कि वर्क डन बाय गैस इज निगेटिव व्हेन गैस इज कंप्रेस्ड. जब गैस का कंप्रेशन होगा तो वर्क डन जो है वो निगेटिव आएगा. तीसरा पॉइंट ये है कि जो वर्क डन हम लोग मैकेनिक्स में पढ़ते हैं, जो वर्क डन थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है. यहां पर तो हमने देखा एक जैसा ही है, जिधर फोर्स लग रहा है उधर डिस्प्लेसमेंट हुआ, फोर्स लग रहा था राइटवर्ड डायरेक्शन में उधर डिस्प्लेसमेंट हुआ है और इसलिए पॉजिटिव वर्क डन आया, तो वॉल्यूम बढ़ेगा ना. जिधर फोर्स लगा गैस का उधर ही डिस्प्लेसमेंट हुआ तो वॉल्यूम बढ़ा, और वॉल्यूम बढ़ा तो पॉजिटिव वर्क डन आया. तो वो मैकेनिक्स वाला पार्ट यहां तक वैलिड है ना. लेकिन जो डिफरेंस है वो ये है कि जो मैकेनिक्स में हम लोग पढ़ते थे तो वहां पर क्या पढ़ते थे कि कोई ब्लॉक है, उसको अगर हमने कोई फोर्स लगाकर डिस्प्लेस कर दिया, भले कोई अगेंस्ट में फ्रिक्शन फोर्स या कोई फोर्स हो या नहीं हो, अगर हमने फोर्स लगाया ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट हो गया तो हम लोग कहते थे कि जो वर्क डन है वो पॉजिटिव कुछ वैल्यू आएगा, वर्क हमने कर दिया ठीक. लेकिन थर्मोडायनेमिक्स में ऐसा नहीं होता. थर्मोडायनेमिक्स में जो वर्क है वो हमेशा सराउंडिंग प्रेशर के अगेंस्ट में होता है. सराउंडिंग प्रेशर जो है वो जब तक रहेगा तब तक गैस जो है वो वर्क करेगा. अगर सराउंडिंग प्रेशर नहीं है तो गैस कितना भी एक्सपेंड हो जाए कोई वर्क नहीं होता है. क्योंकि यहां पर हम लोग एक्चुअली में वर्क को एनर्जी से यहां पर रिलेट करते हैं, तो ये माना जाता है कि जब गैस जो है किसी सराउंडिंग प्रेशर के अगेंस्ट में जब एक्सपेंड होगा तब अपनी एनर्जी लूज करेगा. अगर ऐसे एक्सपेंड हो रहा हो तो अपनी एनर्जी लूज नहीं करेगा, और इसलिए ऐसा जो है कन्वेंशन रखा गया है. तो यहां पर जो थर्ड पॉइंट है मैं वो ये लिख रहा हूं कि इन थर्मोडायनेमिक्स, इन थर्मोडायनेमिक्स वर्क डन बाय गैस इज ऑलवेज अगेंस्ट सराउंडिंग प्रेशर, अगेंस्ट सराउंडिंग प्रेशर. अब सराउंडिंग का क्या मतलब हुआ यहां पर? सराउंडिंग का यहां पर मतलब है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना. एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया एक, तो दूसरा हो गया ग्रेविटी है ना. ग्रेविटेशनल जो फोर्स आता है उसको हम लोग कह सकते हैं, एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दूसरा ग्रेविटेशनल फोर्स. अगर स्प्रिंग फोर्स है तो वो भी सराउंडिंग जो है वो कहलाएगा, सराउंडिंग फोर्स कहलाएगा. तो जैसे तीन तरह के फोर्सेज हो सकते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा तो भी फोर्स लगाएगा बाहर से, ग्रेविटी होगा वो भी फोर्स लगा सकता है, स्प्रिंग फोर्स वो भी बाहर लगा फोर्स लगा सकता है गैस के ऊपर. तो इनके अगेंस्ट में हमेशा जो है गैस वर्क करता है. अगर ये फोर्सेज नहीं होंगे, इन तीनों में से कोई भी फोर्स नहीं है, तो गैस कितना भी एक्सपेंड हो जाए कोई वर्क नहीं होता है. तो ये कह सकते हैं कि इन द ऑब्सेंस ऑफ सराउंडिंग प्रेशर वर्क डन बाय गैस इज जीरो इरेस्पेक्टिव ऑफ एक्सपेंशन ऑफ गैस. मतलब ये हुआ कि गैस कितना भी एक्सपेंड हो जाए वर्क डन बाय गैस जीरो होगा जब सराउंडिंग प्रेशर नहीं होगा. तो ये तीन पॉइंट हो गए. इसके बाद एक और पॉइंट है जो हमें ध्यान रखना है कि ये जो प्रोसेस है, इस कोई भी प्रोसेस हो, जब हीट दिया जा रहा हो या लिया जा रहा हो, उस केस में जो है वर्क डन बाय गैस हमेशा
सराउंडिंग प्रेशर के वर्क डन के इक्वल होता है अगर मैग्नीट्यूड वाइज देखा जाए तो। मैं इसको लिख देता हूं वर्क डन बाय गैस इज ऑलवेज इक्वल टू वर्क डन बाय सराउंडिंग प्रेशर बाय सराउंडिंग प्रेशर इन मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड वाइज इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इनका जो डायरेक्शन है या जो साइन है वो डिफरेंट होता है। आप देखेंगे कि पिस्टन में अगर गैस जो है वो बाहर की तरफ फोर्स लगा रहा है तो सराउंडिंग प्रेशर है वो बाहर से अंदर की तरफ फोर्स लगा रहा होगा। तो अगर पिस्टन इधर डिस्प्लेस हुआ तो गैस तो पॉजिटिव वर्क करेगा जबकि सराउंडिंग जो है निगेटिव वर्क करेगा क्योंकि फोर्स के उल्टा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अगर गैस कंप्रेस हुआ तो सराउंडिंग पॉजिटिव वर्क करेगा और जो गैस है वो निगेटिव वर्क करेगा। तो इसलिए मैग्नीट्यूड जो है दोनों का इक्वल है जबकि जो साइन है वो हमेशा अपोजिट होता है। तो ये कह सकते हैं कि वर्क डन बाई गैस इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ वर्क डन बाई सराउंडिंग, ऐसा हमेशा होता है। और यहां पर एक एजम्पशन है और इस एजम्पशन की वजह से ऐसा माना जा सकता है कि जो सराउंडिंग प्रेशर है और जो गैसियस प्रेशर है वो ऑलमोस्ट हमेशा इक्वल है। गैसियस प्रेशर एंड सराउंडिंग प्रेशर आर ऑलवेज इक्वल, ठीक है। और इसी कारण से ऐसा जो है वो मान लिया जाता है, ठीक। अब जो है हम लोग पता करेंगे कि जो वर्क डन बाय गैस है उसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे। एक तो कैलकुलेशन हमने देख लिया कि अगर प्रेशर कांस्टेंट हो तो इस फॉर्मूले से कैलकुलेट किया जा सकता है, लेकिन प्रेशर हमेशा कांस्टेंट रहता नहीं है, वेरी भी करता है ना। तो कई तरीके हैं वर्क डन बाय गैस कैलकुलेट करने के, उनमें से कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन बाय गैस, तो इसके तीन मेथड्स हैं। एक तो है डायरेक्ट मेथड, ये हो गया डायरेक्ट मेथड। दूसरा होता है इनडायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड। और जो तीसरा है ये होता है बाय पीवी कर्व, जो पीवी यानी प्रेशर वॉल्यूम का जो ग्राफ होता है उस ग्राफ का एरिया निकाल करके भी जो वर्क डन बाय गैस है वो फाइंड किया जा सकता है। तो इसमें से हम लोग जो है डायरेक्ट मेथड जो है ये सबसे पहले करेंगे, उसके बाद इनडायरेक्ट मेथड में देखेंगे और फिर पीवी कर्व वाला जो केस है उसको देखेंगे। तो ये जो डायरेक्ट मेथड है इस मेथड को सबसे पहले हम लोग समझते हैं। इस मेथड में क्या करते हैं कि डायरेक्ट जो है वो फॉर्मूले अप्लाई करते हैं वर्क डन के, जैसे जब प्रेशर कांस्टेंट हो तो उसके लिए हमने अभी फॉर्मूला ड्राइव किया था, व्हेन प्रेशर इज कांस्टेंट। जब प्रेशर कांस्टेंट हो तो वर्क डन बाय गैस निकालने का जो फॉर्मूला है वो है प्रेशर इनटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल इज इक्वल टू एन आर इनटू टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और डायरेक्ट जो है वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये तब करेंगे जब प्रेशर कांस्टेंट हो, लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जो प्रेशर है वो कांस्टेंट नहीं होगा, उस केस में क्या करेंगे।
तो इसी में दूसरा केस बनेगा व्हेन प्रेशर इज वेरिएबल। तो जैसा कि हमने वर्क पावर एनर्जी जो चैप्टर है उसमें हमने क्या समझा कि जब फोर्स कांस्टेंट होता है तो सीधे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कर देते हैं, लेकिन जब फोर्स वेरिएबल होता है तो हम लोग इंटीग्रेशन यूज करते हैं, है ना। तो इंटीग्रेशन यूज करते हैं तो यहां भी चूंकि प्रेशर वेरिएबल है तो फोर्स भी वेरी करेगा, और फोर्स वेरी करेगा तो हम लोग इंटीग्रेशन यूज करेंगे। तो वर्क डन बाई गैस इज इक्वल टू पी डी वी, इंटीग्रेशन करेंगे इसको वी वन से वी टू। अब देखेंगे कि यहां पर दो दो वेरिएबल दिख रहे हैं, क्योंकि जो प्रेशर है ये खुद भी वेरिएबल है और वी भी वेरिएबल है। वी जब तक वेरी करेगा नहीं तब तक वर्क डन आएगा नहीं। तो इसमें करना क्या होता है कि प्रेशर और वॉल्यूम में कोई ना कोई रिलेशन दिया रहेगा, और जब रिलेशन दिया रहेगा तो प्रेशर को हम लोग वॉल्यूम के टर्म में यहां पर रख देंगे, फिर सिर्फ वॉल्यूम वॉल्यूम वेरिएबल रह जाएगा, फिर इंटीग्रेशन हो जाएगा अपना। तो कह सकते हैं कि यहां पर रिलेट प्रेशर एंड वॉल्यूम एंड सब्स्टिट्यूट पी इन टर्म्स ऑफ वी, है ना। मतलब कि यहां से हमें कह सकते हैं कि पी को इलिमिनेट करना है। तो इलिमिनेट कैसे होगा, हमें प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में कोई रिलेशन पता होगा, उस रिलेशन में से पी की वैल्यू निकालेंगे वी के टर्म में और यहां पर रख देंगे। तो ये हो गया डायरेक्ट मेथड। दूसरा मेथड जो होता है उसको हम लोग जैसे कहते हैं इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में क्या होता है कि कई बार हमें प्रेशर और जो वॉल्यूम है उसको रिलेट करना पॉसिबल नहीं है। रिलेट करना पॉसिबल होगा तो फिर ये वाला तरीका लगा लेंगे, लेकिन जब रिलेट करना पॉसिबल नहीं होगा तब हमें इनडायरेक्ट मेथड की जरूरत होती है। व्हेन इट इज नॉट पॉसिबल टू रिलेट प्रेशर एंड वॉल्यूम देन वी यूज इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, अब इनडायरेक्ट मेथड में करते क्या है, जैसे मान लेते हैं एक छोटा सा फिगर बना लेते हैं यहां पर। जैसे ये कोई कंटेनर है और इस कंटेनर में एक पिस्टन लगा हुआ है, यहां पर गैस है, ठीक, और यहां पर एक स्प्रिंग है, ठीक। तो अब हो सकता है कि यहां गैसियस प्रेशर हो, इधर से सराउंडिंग प्रेशर हो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, फिर एक स्प्रिंग फोर्स भी होगा। तो करते क्या है, हम गैस का प्रेशर डायरेक्ट नहीं निकालते, लेकिन बाकी सबका प्रेशर हम लोग निकाल सकते हैं। बाकी सबका प्रेशर यानी कि स्प्रिंग का, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, वर्क डन निकल जाएगा। तो जितना ये सब वर्क करते हैं मैग्नीट्यूड वाइज उतना ही वर्क जो है वो गैस भी करता है। तो हम लोग क्या करेंगे, वर्क निकालेंगे स्प्रिंग फोर्स का, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, या अगर ग्रेविटी भी कोई वर्क कर रहा हो तो उसका भी वर्क निकालेंगे। इन सबका वर्क डन का मैग्नीट्यूड निकाल करके एड करके इसके इक्वल कर देंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो जैसा कि वर्क पावर एनर्जी में हम लोग थ्योरम पढ़ते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम, है ना, वी यूज वर्क एनर्जी थ्योरम टू फाइंड द वर्क डन बाय गैस। जैसे इसमें कहेंगे कि वर्क डन बाय एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वर्क डन बाई एटमोस्फेरिक प्रेशर प्लस वर्क डन बाई गैस प्लस वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स, अगर ग्रेविटी होगा तो वर्क डन बाई ग्रेविटी फोर्स, सारा मिलाकर के चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होना चाहिए, है ना। ये वर्क एनर्जी थ्योरम था जब हम लोग वर्क पावर एनर्जी पढ़ते हैं उसमें। तो उसमें क्या होता है कि किसी ऑब्जेक्ट पर जितने भी सारे फोर्सेज हैं
सारे फोर्सेज का वर्कडन निकाल करके ऐड करते हैं तो वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। थर्मोडायनेमिक्स में जनरली होता क्या है कि पिस्टन का जो मोशन है उसको नेग्लेक्ट किया जाता है। 99% क्वेश्चंस में पिस्टन का कोई मोशन नहीं होगा, बहुत स्लोली मूव कर रहा होगा, तो उसमें डेल्टा के जो है वो जीरो हो जाएगा, है ना, डेल्टा के जीरो हो जाएगा। तो हम लोग क्या करना है कि यहां पर अगर वर्क डन बाई गैस निकालना हो तो क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे निगेटिव ऑफ वर्क डन बाई एटमोस्फेरिक प्रेशर प्लस वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स प्लस वर्क डन बाई ग्रेविटी, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम लोग यहां पर वर्क डन बाई गैस इनडायरेक्टली कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि हमने वर्क डन इसका कैलकुलेट नहीं किया, पहले हमने वर्क डन कैलकुलेट किया किसका, एटमोस्फेरिक प्रेशर का, स्प्रिंग फोर्स का, ग्रेविटी का, इन तीनों का कैलकुलेट करेंगे तब जाकर के वर्क डन बाय गैस हमें निकलेगा, है ना। अब जो है हम लोग तीसरा वाला मेथड सीखेंगे, ये जो पीवी कर्व है कि इस मेथड से किस तरीके से हम लोग जो है वर्क डन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो थर्ड मेथड है इसमें हम लोग पहला काम ये करते हैं कि प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ बनाते हैं, है ना, प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ बनाते हैं। और ये जो पीवी ग्राफ बन गया, पीवी कर्व और ये जो वी एक्सिस है इसके बीच का जो एरिया है एक्चुअली में ये वर्क डन बताता है। जैसे कि वर्क और एनर्जी में हम लोग पढ़ते थे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ होता था, उसका एरिया अंडर कर्व क्या बताता था, वर्क डन बताता था। वैसे यहां पर प्रेशर और जो वॉल्यूम का ग्राफ है तो इस ग्राफ और वी एक्सिस के बीच का जो एरिया है ये वर्क डन बाई गैस बताता है। तो कहते हैं एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन पीवी कर्व एंड वी एक्सिस इज इक्वल टू वर्क डन बाई गैस, ठीक है। बाई चांस ऐसा भी हो सकता है कि कहीं पर एक्सिस को उल्टा कर दिया गया हो, जैसे इधर वी दे दिया गया और इधर जो है इधर पी दे दिया गया, है ना, तो जो ग्राफ है वो ग्राफ कुछ ऐसा हो सकता है, ना ऐसा ग्राफ है। तो हम लोग कौन सा एरिया निकालेंगे, हम लोग एरिया निकालेंगे ये वाला, ये ध्यान रखें, ये पीवी कर्व हो गया, ये वी एक्सिस हो गया, तो इसमें ये वाला एरिया निकालेंगे। इसमें हमने ये वाला एरिया निकाला पीवी कर्व और वी एक्सिस के बीच का, ठीक है। तो अब जो है हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे कि किस तरह से वर्क डन बाई गैस जो है कैलकुलेट किया जा सकता है बाई यूजिंग दीज थ्री मेथड्स। तो पहला एग्जाम्पल जो है हम लोग करेंगे, ये जो ग्राफ वाला मेथड है इसी पर बेस्ड करते हैं। जैसे सपोज प्रेशर और वॉल्यूम, ये ग्राफ दिया गया है, इसमें कुछ इस तरह से है, ये लाइन दे दिया गया, लाइन का मतलब है कि एक प्रोसेस है, है ना, यहां पर वॉल्यूम है वी नॉट, यहां पर प्रेशर है पी नॉट, यहां पर वॉल्यूम जो है वो है 4V नॉट, और यहां पर जो प्रेशर है वो है 2P नॉट, ठीक। तो अगर इसमें वर्क डन पूछा जाए, फाइंड वर्क डन बाय गैस, तो हम लोग कौन सा एरिया निकालेंगे, ये जो पीवी कर्व है और ये जो वी एक्स यानी कि ये वाला एरिया हमें निकालना पड़ेगा, ट्रेपेजियम का एरिया निकालना पड़ेगा। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, एरिया निकालना हो हाफ पैरेलल साइड्स का सम, पैरेलल साइड एक ये है और एक ये है, ये है पी नॉट और ये है 2P नॉट, पी नॉट प्लस 2P नॉट इनटू सेपरेशन बिटवीन टू पैरेलल साइड्स, ये जो है
और ये पैरल साइज के बीच का सेपरेशन जो है देखेंगे 3V0 आएगा, तो 3V0 से इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आप देखेंगे कि ये आएगा 9P0V0/2। ये जो वर्क डन है ये पॉजिटिव आएगा क्योंकि इनिशियल वॉल्यूम जो है वो कम है और फाइनल वॉल्यूम जो 4 गुना हो गया है, यानी गैस का एक्सपेंशन हुआ है। जब भी गैस का एक्सपेंशन होगा तो पॉजिटिव वर्क होगा। तो पहला काम होता है एरिया निकाल करके मैग्नीट्यूड निकालना, उसके बाद जो है देखेंगे कि वॉल्यूम बढ़ रहा है या घट रहा है। जब भी गैस एक्सपेंड होगा तो वर्क डन पॉजिटिव आएगा, गैस कंप्रेस होगा यानी वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा होगा तो वर्क डन निगेटिव आएगा। ठीक है, तो बाद में हम लोग साइन लगाएंगे, पहले मैग्नीट्यूड देख लेंगे ऐसे। ठीक है, और ये जो है ये पॉजिटिव वर्क होगा यहाँ पर।